हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो बना रहे हैं। जो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप एक आयरन की कढ़ाई साफ़ कर उसका तरीका बताइए। आपकी कढ़ाई बहुत चमकती रहती है, क्या आप नई नई कढ़ाई में रोज़ खाना बनाते हैं? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैं रोज़ नई नई कढ़ाई यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम रोज़ नई कढ़ाई खरीदेंगे और यूज़ करेंगे। हमारी आयरन की कढ़ाई चमकती रहती है क्योंकि हम उसे साफ़ करते हैं। आपको भी मैं इस तरीका बता देती हूँ किस तरीके से साफ़ करना है। तो छोटी छोटी टिप्स होते हैं कढ़ाई साफ़ करने का, उसे भी आसान सा तरीका हम आपको बताएंगे उसे साफ़ करने का, और आप भी उसी तरीके से साफ़ करेंगे तो आपकी कढ़ाई, मेरी कढ़ाई की तरह चमकती रहेगी और अच्छी रहेगी और देखने में बहुत अच्छी लगती है। जब कढ़ाई चमकती रहती है तो खाना बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम कढ़ाई साफ़ करना शुरू करते हैं। पहले आपको सामान बता दें हमें क्या क्या लगने वाला है, लेकिन जो जो सामान हम यूज़ करेंगे वो हमारे घर में अक्सर पड़े रहते हैं। हम सब तीन सामान हमने लिया है, नींबू, इमली और विनेगर लिया है। तो आपके पास इन तीनों में से कोई एक चीज़ हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम कढ़ाई साफ़ करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई गैस पर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम रखेंगे, बहुत तेज़ नहीं रखना है, नहीं कढ़ाई जलने लगेगी। और नींबू को हम इस तरह से निचोड़ देंगे, हाथ से इस तरह से निचोड़ना है। मैंने दो नींबू लिया है, इसे एक नींबू में ही साफ़ हो जाए कढ़ाई। और इसे हम इस तरीके से चारों तरफ फैला देंगे, पहले इसे लगाएंगे। और अब हमें थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो 2 से 3 चम्मच पानी डालना है और इसे इस तरीके से फैलाना है। पानी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो हमारी कढ़ाई बीच से जलती रहेगी। तो पानी डालेंगे और नींबू इसमें छोड़कर हम डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारी जली हुई कढ़ाई थी बिल्कुल, और कितनी आसानी से कितना साफ़ हो गया है। अभी मैंने बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं किया है, बस इसे नींबू लगाया है। इस तरीके से हम देखिए चारों तरफ से फैला देंगे। बहुत ज़्यादा अभी गर्म नहीं है कढ़ाई, तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम रखना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरी कढ़ाई कितनी साफ़ हो गई है, बस 2 मिनट लगे हैं अभी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है। और हम इसे इस तरीके से फैला देंगे, चारों तरफ लगा देंगे। गर्म है अभी, देख सकते हैं आप। और अब इसमें चाहे तो आप विनेगर डालिए या नहीं, क्योंकि हमारी कढ़ाई साफ़ हो चुकी है, बस थोड़ा सा इसे और साफ़ करना पड़ेगा। तो मैंने अभी कोई भी मेहनत नहीं की है, बिना मेहनत की हमारी कढ़ाई साफ़ हो गई है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें वाइट विनेगर भी डाल देंगे, 2 चम्मच मैंने लिया है, क्योंकि वाइट विनेगर से बहुत ही तेज़ी से कढ़ाई साफ़ हो जाता है, चमकने लगता है। तो आप देख सकते हैं मैंने वाइट विनेगर डाल दिया, फैला दिया, आप इसे चमक देख सकते हैं आप। मैंने अभी कोई बिल्कुल मेहनत नहीं की है, बिना मेहनत की हमारी कढ़ाई साफ़ हो गई है। आप भी इसी तरीके से आप अपनी कढ़ाई को चमका सकते हैं, आपकी कढ़ाई रोज़ नई नई जैसे लगेगी। तो आप भी इसी यही टिप्स यूज़ करिएगा फ्रेंड्स, नींबू और विनेगर का। विनेगर नहीं है तो भी आप सिर्फ नींबू से साफ़ कर सकते हैं, और नींबू नहीं है आपके पास इमली पड़ी है तो 3 चीज़ में से किसी एक यूज़ कर सकते हैं सामान को। तो अब हम इसे मांझ कर दिखाएंगे, थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट में साबुन लगा कर साफ़ करना है इसे। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, क्योंकि मैंने बहुत मीडियम आंच रखा था। तो चलिए अब साफ़ करके दिखाते हैं आपको। इसके पीछे भी हम लगा लेंगे नींबू और विनेगर को। बहुत गर्म है तो फ्रेंड्स संभाल के आप भी जब भी कढ़ाई साफ़ करें, बहुत संभाल के हाथ, क्योंकि बहुत गर्म होता है और हाथ जलने का भी डर रहता है। तो हम इसे संभाल कर यूज़ करेंगे, दोनों तरफ हम यूज़ कर लेंगे। तो कढ़ाई के पीछे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जो नींबू मैंने लिया था उसी को मैंने देखिए पीछे लगा दिया है इसे। भी इस तरीके से कढ़ाई साफ़ करिएगा, आपकी भी कढ़ाई बहुत चमकती रहेगी। तो मैंने स्कॉच ब्राइट लिया है, देखिए इस तरीके से कढ़ाई वाला एक आता है, मोटा होता है, ब्राउन कलर का, इसमें थोड़े से तार होते हैं महीन महीन, बहुत बारीक सा होता है। और इसमें मैंने साबुन लगा लिया है विम बार। अब हम इसे रगड़ कर इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। देख सकते हैं हमारी कढ़ाई चमकने लगी, बहुत ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, तो हल्के से मैंने मांजा है इसे। और साइड में भी साबुन लगा लेंगे हल्का सा, जो हैंडल होता है इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो काला काला हो जाएगा। और पीछे भी हम साफ़ कर लेंगे, रगड़ कर साफ़ करेंगे। मैंने पीछे ना तो विनेगर लगाया है, बस नींबू को रगड़ लिया है इस तरीके से, काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। अगर आप चाहते हैं पीछे भी चमकता रहे हमारी कढ़ाई, तो थोड़ा सा गर्म करके इसके ऊपर विनेगर और नींबू रगड़ दीजिए, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल चमकने लगेगी कढ़ाई। तो देखिए फिर मैंने धो लिया है कढ़ाई, इस तरीके से साफ़ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारी कढ़ाई साफ़ हो गई है,
तो फ्रेंड्स मेरी कढ़ाई देख सकते हैं आप, बिल्कुल चमक रही है, साफ़ सुथरी लग रही है, बिल्कुल नई नई सी लग रही है। तो जो कढ़ाई साफ़ करने का राज था मेरा, मैंने बता दिया है आपको फ्रेंड्स। तो आपकी कढ़ाई एकदम नई नई लगने वाली है, तो आप इसी तरीके से साफ़ करिएगा, इसी टिप्स से जो टिप्स मैंने बताया है आपको। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।